इस प्रोग्राम में हम इस बात पर जोर देते हैं की परमेश्वर के साथ में हमारा जो संपर्क है वही हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता It है बाइबल

फ्यू uh, प्रोग्राम और हमने जब परमेश्वर के संपर्क के बारे में कहा तो पिछले कुछ प्रोग्राम में हमने प्रार्थना के बारे में बहुत कुछ सिखाया है और आज हम इसके अंतिम भाग को देखेंगे और अगले हफ्ते से हम प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बारे में देखेंगे क्योंकि गुड फ्राइडे और ईस्टर का समय अभी पास आ So, when you talk about prayer, actually, uh, like I told you in the previous program, uh, somebody would have taught you to pray. They would have told you uh, you have to uh, keep your hands like this and you have to close your eyes and then you can pray. और जब भी आप प्रार्थना के बारे में कहते हैं तो आपको याद आता है कि आपको किसी ने सिखाया किस तरह से आंखें बंद करना है अपने हाथ इस तरह से जोड़ना है और फिर उसके बाद में प्रार्थना करनी चाहिए me, like like अगर आप मुझसे पूछे कि क्या बाइबल में ऐसा कुछ लिखा है तो मैं यही कहूंगा कि इस तरह प्रार्थना करने के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है saying, you know, should, uh, you know, बाइबल इस तरह से नहीं कहती कि इस तरह से बैठना होगा और

there are certain ways or certain things you should not do or you should not do the way you've been doing you know in prayer लेकिन इस प्रोग्राम में पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि निश्चय कुछ ऐसे मार्ग हैं जिसके बारे में बाइबल में लिखा है कि तुम इस तरह से नहीं करना सो आई वॉन्ट अबाउट दैट इन द फर्स्ट पार्ट पहले भाग में मैं इसी के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ you know, प्रार्थना के बारे में सिखा रहे थे इन द गॉस्पल ऑफ मैथ्यू चैप्टर टू मत्ती अध्याय वचन पाँच से छे में लेट मी रीड इट फॉर यू दिस आर नॉट माई ओन इमेजिनेशन दिस आर फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स स्क्रिप्टो द That is what the Bible says. Let me read it for you. It says, and when you pray, do not be like the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogues and on the street corners to be seen by others. Truly I tell you, they have received their reward in full. But when you pray, go into your room. जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा एक अनुवाद कहता है वो तुझे खुले में प्रतिफल देगा वन इम्पॉर्टेंट थिंग जीसस टॉट इन दिस पैसेज और इन दिस टू वर्सेस दिस दैट इन प्रेयर डू नॉट ट्राई टू शो योर रिलीजियोसिटी Uh, यहां पर इन दो वचनों में यीशु ने एक बात सिखाई है कि प्रार्थना में अपनी धार्मिकता दूसरों के सामने दिखाने की कोशिश मत कीजिए इस तरह से यीशु ने हमें सिखाया है एंड वेन यू प्रे डों और ये कहता है कि जब तुम प्रार्थना करते हो तो दूसरों को दिखाने के लिए प्रार्थना मत करो एंड इज वॉट समू डू यू हिपोक्रेट्स आप तो लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं और फिर वचन कहता है कि तुम तो ढोंगी हो जो कि सड़कों के किनारे या आराधनालय में खड़े होकर जोर जोर से लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं कि लोग कहीं देखो ये कितना धर्मी है प्रार्थना कर रहा है गॉड इज मोर कंसर्न अबाउट आर इंटेंशन इन प्रेयर प्रार्थना में हमारे मकसद क्या है उद्देश्य क्या है उसके बारे में परमेश्वर ज्यादा परवाह करते हैं like that? आप इस तरह से प्रार्थना क्यों करते And हैं? और आप चाहते हैं कि लोग आपको देखते चले जाएं? जाए तो वो ये कहता है कि तुम्हें तुम्हारा प्रतिफल मिल गया है you know, एंड इट्स डन यानी तुम तो यही चाहते थे कि लोग तुम्हें देखे उन्होंने देख लिया यहीं पर सब कुछ खत्म हो गया बट इफ यू टू रियली प्रे गो टू यूम क्लोज द डोर स्पीक टू द फादर हु इज अन ही सीक्रेट वेन नो बडी नोस दट यूर प्रेइंगी इज टू रिवॉर्ड यू और ये कहता है कि जब तुम्हें प्रार्थना करनी है तो तुम अपने कमरे में जाओ दरवाज़ा बंद करो गुप्त में प्रार्थना करो परमेश्वर आपको वहां पर देखते हैं जहां पर कोई भी नहीं देख रहा है और निश्चय वो आपको उसका प्रतिफल देते हैं सो डोंट प्रे फॉर द सेक ऑफ अदर पीपल और इसीलिए दूसरे लोगों को दिखाने के लिए आप प्रार्थना मत कीजिए एंड द अदर यूजुअल रॉन्ग थिंग दैट इज इन्वॉल्व इन प्रेयर इज दिस पर्टिकुलरली पब्लिक प्रेयर इज द यूज ऑफ अननेसेसरी वर्ड्स प्रार्थना में वो बेकार या एक ही शब्दों को बार बार दोहरा कर इस तरह से वो कहते चले जाते हैं और आई पुट इट लाइक दिस यूज ऑफ टू मेनी वर्ड्स या इस तरह से कहना चाहूंगा कि बहुत से शब्द उपयोग करते हैं वन आवर यू नो से समथिंग ऑलवेज ओ बाइबल वेरी क्लियरली सेवेंथ एंड एथ एंड यू प्रे डू नॉट Keep on babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words. Do not be like them, for your father knows what you need before you ask him. हम सोचते हैं कि हमें ज्यादा शब्द कहने से वचन सात कहता है प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समय बकबक बक, -बक न करो क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से से उनकी सुनी जाती है है इस तरह वचन हमें यहां पर बताता है। Uh, that is not what I परमेश्वर ये कहते हैं कि चाहे तुम छोटी प्रार्थना करो तो भी मैं सुनता हूँ चाहे तुम बड़ी प्रार्थना करो तो भी मैं सुनता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि केवल आप बगबक करते चले जाएंगे तो परमेश्वर वहाँ पर आपकी प्रार्थनाओं को सुनते जाएंगे ये इसका अर्थ नहीं वो हर प्रार्थना सुनते हैं आई डोट नो वेदर और मुझे पता नहीं आप छोटी प्रार्थना करते हैं या फिर देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा लंबी लंबी प्रार्थनाएं किया करते हैं you know, I a in मैं चेन्नई में एक चर्च का पास्टर हूँ पास्टर हूँ चर्च you know, और मैंने लोगों को चर्च में प्रार्थना करते देखा है छोटी और संक्षिप्त प्रार्थना करते हैं always, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शुरू करते हैं लेकिन नहीं पता नहीं कि इसका अंत किस तरह से किया जाए प्रार्थना कैसे खत्म करें ऑल दीज यू नो वी फेस बट वी आर ट्राइंग टू हेल्प पीपल हेल्प देम टू अंडरस्टैंड Teach them that it is not uh, the many words that attracts God, uh, more than that, it is your heart. And particularly when you speak to God, so you know, in the in the book of Ecclesiastes, chapter 5, verse 2, you have this verse: do not be quick with your mouth, do not be hasty in your heart to utter anything before God. So अध्याय पांच वचन दो ये कहता है बातें करने में उतावली न करना और न अपने मन से कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हो ट so, इट you know, do मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको प्रार्थना करनी है तो छोटी प्रार्थना कीजिए लेकिन प्रभावी प्रार्थना कीजिए और आपके शब्द जो है लोगों को लुभाने वाले ना हो लेकिन आपके दिल से निकलने वाले हो

Wrong motives. और यहाँ पर याकूब जो है, वो इस बात पर जोर देता है कि कई बार हम गलत मकसद के साथ में प्रार्थना करती जाती हैं। And it says, what causes fights and quarrels among you? Don't they come from your desires to battle within you? You desire but do not have, so you kill. You covet but you cannot get what you want, so you quarrel and fight. You do not have because you do not ask God. When you ask.

तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते तो तुम झगड़ते और लड़ते हो तुम्हें इसीलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं तुम मांगते हो पर पाते नहीं इसलिए हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो यानी बुरी इच्छा के साथ मांगते हैं अपने ऐशो आराम के लिए मांगते हैं इसीलिए हमें नहीं मिलता इस तरह से यहाँ पर हमें वचन बता रहा है

बट तो हमें कैसी करनी चाहिए इम्पॉर्टेंट दिंसिपल फॉर प्रेयर और आपको यहाँ पर मैं सबसे पहली बात बताना चाहता हूँ जो कि प्रार्थना के लिए बहुत बहुत बुनियादी ऐसी बात है We are expected to pray with great faith and trust.

It will be yours. मत्ती चौबीस कहता है इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रती कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा इस तरह से मरकुस ग्यारह चौबीस हमें यहाँ पर बताता है हमें स्पष्ट रीति से बताता है कि हमें पहले विश्वास करना होगा प्रती करना होगा कि हमें मिलेगा वही सो इम्पोर्टेंट ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है विदाउटे no, Uh, no देखिए विश्वास के बिना मांगने में कोई भी अर्थ नहीं है आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना है। And it is that which God also to और इसी से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं कि वो उत्तर दे सके 11, 11, से बहुत सुंदर तरीके से बताता है एंड विदाउट इट इज इम्पोसिबल टू प्लीज गॉड बिम मस्ट बिलीव दैट हीस्ट 11 क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना है चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है सो यू शुड नॉट बी सम्पली गिविंग प्रेयर रिक्वेस्ट और इसलिए आपको ऐसा व्यक्ति नहीं होना है जो केवल प्रार्थना निवेदन देता चला जाता है बट गि बड़े विश्वास से आप उस प्रार्थना oh, जिस परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ वो इस प्रार्थना को सुनेगा और इसका उत्तर देगा इफ यू डोट है ये विश्वास नहीं है तो आप प्राप्त नहीं करेंगे

एक पांच से आगे ये कहता है पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती है और उछलती है ऐसा मनुष्य ये न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा क्योंकि वो व्यक्ति दुचित्ता है और उससे अपनी सारी बातों में चंचल है doubt. और ये कहता है कि वो व्यक्ति विश्वास करे और वो संदेह न करे फ्रॉम द लॉ अगर उसमें संदेह है तो वो प्रभु से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है और मैं आपको बता दू ये आसान नहीं है वॉट आई मीन इज फेथ Faith, और मैं जो कह रहा हूँ कि हम विश्वास करते चले जा रहे सो मेट आर हमारे सी चीजें हैं जो हमारे विश्वास को घटाते चली जाती हैं, वो तो उसे नाश करना चाहती है आई एम श्योर यू आपने भी इसका अनुभव किया होगा मैं जानता यू sure oh, you know, oh, देखिए लोग कहते हैं कि मैंने मांगा लेकिन मुझे नहीं मिला ये नकारात्मक बात है जो आप पर प्रभाव डाल रही है मेनी पीपल इंस्टेड ऑफ फीडिंग बहुत से लोग अपने विश्वास को भोजन देने के बजाय सच में अपने विश्वास को वो भूखा मार देते हैं वो कुछ भी नहीं देते हैं और कई बार हमारे आसपास ऐसे ही लोग होते हैं। हैं। लेकिन आज पर आपको बुला रहे जब आप उसके पास आते हैं उससे मांगते हैं He says, ask in full faith. उसने कहा कि पूरे विश्वास के साथ में मांगिए and the second thing I want to share with you is uh, we are encouraged to pray with the help of the holy spirit और मैं दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा की मदद के साथ प्रार्थना करने के लिए आप प्रोत्साहित हो जाएं for uh, some uh, who have not yet uh, accepted jesus as lord and savior i don't know whether you heard about this or not the holy spirit जिन्होंने यीशु को उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया मुझे पता नहीं कि आपने पवित्र आत्मा के बारे में कभी सुना है क्या bible says the holy spirit is given to the believers when They accept the Lord Jesus Christ as saviour in the waters of baptism. Bible the to the Holy Spirit. When a person believes in the Lord Jesus Christ and he gives his life over to God and when he is baptised and makes a commitment to God, the Spirit of God enters into him and works in his or her heart. जब व्यक्ति कोई व्यक्ति अपने आप को प्रभु यीशु मसीह को सौंप देता है उसे उद्धार करता स्वीकार करता है तो पवित्र आत्मा आकर उसके हृदय में काम करने लग जाता है एंड इंटरेस्टिंग थिंग इज

and always keep on praying for all the Lord's people. इफिसियो अध्याय छः वचन अठारह कहता है कि हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और बिनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार बिनती किया करो सो वी हैव टू प्रे इन द स्पिरिट तो हमें आत्मा में प्रार्थना करनी है। Some people think it is praying in the tongues only. कुछ लोग सोचते हैं कि यह तो केवल अन्य भाषा में प्रार्थना करना इसी के बारे में कह रहा है Romans, 8, 26 27, even, uh, 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 और, और में और दूसरे वचनों में प्रेरित इस विचार के बारे में जोर पॉलिसिट हेल्प इन अवर वीकनेस वी डू नॉट नो वॉट वी ऑट टू प्रेफॉर्म लिशन टू इट के

क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए परंतु आत्मा ही ऐसी भर -भर कर जो बयान से बाहर है है, हमारे लिए बिंती करता है। और जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है क्योंकि वो पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है इस तरह से यहाँ पर यह वचन हमें बता रहा है सो यू कैन वेरी क्लियरली इन दिस वर्स दर इज कनेक्शन बिटवीन And the Holy Spirit who is inside us. इन वचनों में आपने देखा होगा कि प्रार्थना और पवित्र आत्मा जो हमारे मध्य में है हमें वास करता है उन दोनों के बीच में बहुत बड़ा संपर्क है कहता है कि कि हम कई बार नहीं जानते कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए लेकिन पवित्र आत्मा हमें मदद करता है याद दिलाता है कि किसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए the जो आत्मा है वो लोगों के हृदय को उकसाता है एंड और वो हमारे साथ में हमारे लिए मध्यस्थी करता है therefore we are instructed to pray with trust in the Lord, faith in the Lord. We are also encouraged to pray with the help of the Holy Spirit. इसलिए हमें उत्साहित किया जाता है कि हम परमेश्वर पर विश्वास के साथ प्रार्थना करें और पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा प्रार्थना करें. and finally I want to leave with you this wonderful idea. We are instructed to pray persistently. और हमें निरंतर प्रार्थना करने के लिए बताया गया ये विचार मैं आपको बताना चाहता हूँ. in the Gospel of Luke chapter 18. The very first verse goes like this. 18 में सबसे पहला वचन इसी तरह से कहता है फिर उसने यानी यीशु ने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और न छोड़ना चाहिए उनसे ये कहा। And he's saying, और वो कहता है कि निरंतर प्रार्थना करना इसके बारे में यानी हिम्मत नहीं हारनी है। He uses the of a widow here. वो यहां पर एक विधवा का उदाहरण हमें बताते हैं She goes to a man who is वो तो एक अन्यायी न्यायाधीश के पास में जाती है That judge care about और वो न्यायाधीश तो लोगों की परवाह ही नहीं करता था बट दिसम फॉर जजमेंट लेकिन न्याय मांगा करती थी बिना रुके बनी रही एंड यू नो आई read just that verse alone in that passage। इस वचन में आइए इस एक वचन को हम पढ़ते हैं you know, the, the unjust judge he thought to himself

कुछ समय तक तो वो न माना परंतु अंत में मन में विचार कर कहा यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्य की कुछ परवाह करता हूं तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती है इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा कहीं ऐसा न हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करें So the word used is bothering. यहां पर शब्द है नाक में दम करना oh, continuously asking. या निरंतर मांगते रहना। कई बार बच्चे हमें परेशान करते रहते हैं कुछ मांगते तो आखिरकार हम उन्हें लेकर दे देते हैं नॉट वन टाइम एक बार नहीं oh, maybe 15 शायद 15 बार मांगते maybe 20 हैं time. या बीस बार मांगते हैं। they they जब तक कि मिल न जाए मांगते And हैं many a times we grant it. और कई बार हम उन्हें उसे लेकर दे देते हैं जिस यीशु ये कहते हैं कि अगर एक अन्यायी न्यायाधीश इस तरह से करता है तो मैं जो कि तुम्हारा धर्मी पिता हूँ हूँ, मैं तुम्हारे लिए निश्चय ही तुमने जो कुछ मांगा दूंगा यू persistent। आप डटे रहें। you continue to ask। रहे मांगते रहे oh, मुझे बारी की बात याद आती है He kept on calling out to Jesus. वो तो यीशु को पुकारता चला गया चुप बैठो बट ही डिड नॉट स्टॉप लेकिन वो रुका नहीं he continued to call out on ऑन वो तो यीशु को पुकारता चला गया Jesus stopped and said, Bring him to me. यीशु ने रुककर कहा कि उसे मेरे पास लाओ फ्रेंड्स गॉड आई एम टॉकिंग टू यू टूडे God, I'm talking to you today is a God पर जिसके बारे में आज हम कह रहे हैं वो वो आपकी आपकी पुकार सुनता है 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 आपने जितनी भी बार उसे पुकारा जानता और वही परमेश्वर पर कि आपकी मदद करें have you ever prayed for something hundred times? क्या आपने कभी किसी बात के लिए सौ बार प्रार्थना की है मुझे पता नहीं कि आप उससे अभी थक चुके हैं he has his time. उसके पास उसका अपना समय है he will definitely consider your prayers. वो निश्चित ही आपकी प्रार्थनाओं की ओर गौर करने वाले हैं. He will definitely answer your prayers. वो निश्चित ही आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे. So he is telling, I am Much, much, much तो बढ़कर हूँ जिसने अपने मन में ठान लिया था की मैं इस विधवा का न्याय निश्चय चुकाऊंगा लव सो मच वो आपसे बहुत प्यार करता है He likes to listen from you. वो आपकी और से सुनना चाहता है एवरी डे हर एक दिन एंड ऑल द नीड्स और आपकी सारी जरूरतों को यू कैन ब्रिंग इट टू आप उसके पास ला सकते हैं वो आपकी मदद के लिए है। वो परमेश्वर है। स्वीकार करें और आपकी जिंदगी बदल जाएगी God bless you today. परमेश्वर आज आपका आशीष दे Stady, In a private and personal way through our online study website. Contact number